स्वागत है आपके अपने चैनल बिल्डिंग शिक्षा वैनिता चंद्रा में। इससे पहले हम चैप्टर 8 का कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 कर चुके थे। उसके अंदर हमने कॉस्ट की कॉन्सेप्ट समझी थी, टोटल कॉस्ट समझा था कि क्या होता है। अब हम उसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं जो इसमें हम करेंगे, जैसे फिक्स एंड वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ एसी। एसी का मतलब मैंने उसमें आपको फॉर्मूले लिखवा दिए थे और आई थिंक आपको मैंने उसमें बता भी दिया था कि एएफसी एसी एबीसी क्या होते हैं। तो एसी का मतलब एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बोला एसी इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू, ठीक है। मतलब मैंने कोई प्रोडक्शन करा, उससे मुझे जो टोटल कॉस्ट आई वो आई हमारे पास 40 की। कितने की आई? 40 की, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन हुआ या जो क्वांटिटी लगाई वो मैंने कितनी लगाई? 10, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा? 4 आएगा। तो मतलब एक इकाई से होने वाली लागत, मतलब एक उत्पन्न करने में हमें कितनी लागत लगी, उसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। क्या बोलते हैं? एवरेज कॉस्ट। उसी के साथ हम देखते हैं जो एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, वो क्या होते हैं। जैसे हमने बात करी थी यहाँ पे टीसी इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, ये हमने बात करी थी पहले, ठीक है। तो जो एवरेज कॉस्ट है वो हमारी क्या होती है? एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमने बताई थी जो चेंज नहीं होती, वेरिएबल मतलब जो चेंज होती है, ठीक है। तो एसी का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है? एएफसी इज प्लस एबीसी। तो एएफसी क्या होती है, अब इसको देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में क्यू। मतलब कैसे निकालेंगे? जो हमारी कुल लागत है, बंधी लागत, एक इकाई उत्पादन करने से उसमें कितनी लागत आ रही है एक उत्पादन करने से, तो उसको बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब इसको थोड़ा हम देख लेते हैं क्या होता है। जैसे हमने बोला हमारे पास प्रोडक्शन जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी फिक्स रहेगी, जैसे लैंड और मशीन, तो 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? एएफसी टीएफसी अपॉन क्यू। तो ये हमारे पास क्यू है, ये हमारा टीएफसी। तो एएफसी निकालने का फॉर्मूला क्या है? जैसे हमारे पास आया 10, ये क्या है 1, तो आंसर आएगा 10। एएफसी 10 आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है? 10 और इकाई कितनी यूज करें? 2, तो कितनी कॉस्ट आएगी? 5। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी हमारे पास? 5, ठीक है। तो ऐसे ही उसको हमने 2 से करा, 3 से करा, फिर 4 से करा, फिर 5 से करा, फिर 6 से और 7 से। तो हमारे पास 10, 5, 3.3, 2.5, 2, 1.67, 1.43, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास आता जाएगा। और एक चीज याद रखना, इसमें जो हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे टोटल फिक्स कॉस्ट हमें जीरो नहीं होते, ठीक है। याद रखना, कई बार आपको क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि क्या एवरेज फिक्स कॉस्ट जीरो होती है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं होती क्योंकि टीएफसी हमारा जीरो नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ पे देख लेते हैं क्या है, ठीक है। एक वर्ड है बच्चा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो ये क्यों होता है? पेपर में ऐसा आता है कि जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है उसका जो कर्व है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों होता है, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम करते क्या है, जैसे हमने इसको लिया, हमारे एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारे पास ये आ गई, ठीक है, कि 10 ये कितनी हमारे पास है और आउटपुट हमारे पास ये। तो हमने पहले देखा 10 पे था, फिर हमारे पास 5 पे था, फिर 3.3 था, फिर 2.5 था, फिर 2 था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी? एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसका आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब ए बी और सी, जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत परिवर्तित लागत, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है? ए बी सी हम कैसे निकालते हैं? हमने अभी देखा था जो ए सी है वो हमारा टी बी सी और सॉरी ए बी सी और ए एफ सी के इक्वल होता है। तो ए एफ सी हम कर चुके थे, अब करेंगे ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी। तो एबीसी का मतलब क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जो प्रोडक्शन के साथ साथ हमारी बढ़ती है और कम होती है, और अपॉन में क्यू। तो टीवीसी प्राप्त एक इकाई से हमें कितनी लागत मिलती है उसको बोलते हैं एबीसी। अब जैसे यहाँ पे देखा प्रोडक्शन हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ रही है, 10, 18, 24, 28, 32, 38, 46 और 62। अब फॉर्मूला ये हमारे पास, जैसे हमने इनके नीचे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, जब इनको डिवाइड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6.4, 6.3, 6.6 और 7.7। तो जब हम इसको ग्राफ पे करेंगे, अब एक चीज यहाँ देखना कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा था हमारी टोटल कॉस्ट ज्यादा थी। क्या थी? टोटल कॉस्ट ज्यादा थी,
फिर एक टाइम पे आके टोटल कॉस्ट हमारे यहाँ कम होने लगी है, ठीक है। तो ये ह्रास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम है। फिर उसके बाद हमने देखा सात के बाद ये दोबारा बढ़ने लगी है, ठीक है। तो ये हमारा बढ़ता प्रतिफल होता है, ठीक है। तो हम इसको ग्राफ में देखते हैं, तो पहले क्या है, स्टार्टिंग में 10 है, तो पहले क्या हो रही है हमारा, बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, इस तरह हमारे पास भी बनेगा, ठीक है। तो पहले तो ये बढ़ रहा है, जैसे हमने बढ़ रहा, फिर कम हो रहा है धीरे धीरे, फिर एक पॉइंट आया यहाँ पर हमारे पास जहां पे क्या हो गया, ये कम हो गया और फिर ये ऊपर बढ़ने लग गया। तो इसको बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, हमने अभी देखा कि रिलेशन किसमें, एसी किसके बराबर होता है, एवीसी प्लस में एएफसी, मतलब एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, तो हमारे पास ग्राफ है कुछ इस तरह, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास एक स्लोप जा रहा है, ये एएफसी है, जैसे हमने अभी पहले बनाया था। दूसरा हमने करा था कि पहले बढ़ता है फिर कम हो जाता है, फिक्स वेरिएबल कॉस्ट और एसी कॉस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं जो एसी है, पहले हम पॉइंट वन में देख देते हैं, एल वन में, इसको एल वन लिखते हैं, इसको एल टू और इसको एल थ्री, ठीक है। तो एल वन के इसमें देखते हैं, तो एसी हमारे पास क्या है, एल वन एस, मतलब यहां से लेके ये चीज हमारे पास क्या है, एल और एस। ए बी सी, अब ए बी सी देखते हैं, ए बी सी कितना है हमारे पास, एल वन और के और प्लस, और ए एफ सी कितना है हमारे पास, एल और एल वन, ठीक है। तो देखो ये बन गया हमारे पास कि हमारे पास जो ए सी आया वो किस किस से मिल के आया, ए बी सी से और ए एफ सी से, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन हमारे यहाँ क्लियर हो रही है। सेकेंड में बात करेंगे एल टू के केस में, ये एल टू है, तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट क्या है, एस वन और एल टू, तो इसको देखते हैं, एस वन और एल टू, तो ये किस किस से मिलके बना हमारे पास, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारे पास, टी एल टू, और फिक्स कॉस्ट भी कितनी है, टी एल, तो ये भी हमारे पास सही हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं एल थ्री के केस में, तो एल थ्री में भी हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट एस टू एल थ्री, अभी किस किस से मिलके बना हमारे पास, के वन और एल थ्री और प्लस में टी टू और एल थ्री, ठीक है। तो ये तीनों बता रहे हैं कि हमारे पास जो ए सी है वो ए एफ सी और ए एफ ए बी सी और ए एफ सी से क्या होते हैं, मिलके बनते हैं, तो ये इनका रिलेशन है। नेक्स्ट स्टार्ट हम इसमें करते हैं, हमारा रह गया था मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब चाहे इसमें ना हम ए सी एन सी टी सी और जैसे प्रोडक्शन कर रहे थे वैसे वैसे इसमें हमारे, जैसे हमने बात करी थी टीपी है ना, एमपी, ये सब भी हम इसे बात करेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो हमारे पास हर जगह आएगा कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो उनका मतलब एक ही होता है, बस यहाँ कंसेप्ट चेंज हो जाता है, यहाँ कॉस्ट है तो हम कॉस्ट से डिनोट करते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है कि हम जैसे जैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो एक ज्यादा एक्स्ट्रा उत्पादन करने से टोटल कॉस्ट में कितना चेंजेस आ रहा है, उस चेंजेस को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसको, मार्जिनल कॉस्ट। तो उसका फॉर्मूला वही है TCN माइनस TCN माइनस 1, ठीक है। और उसके एक फॉर्मूला और भी है MC का, तो डेल्टा TC अपॉन में डेल्टा Q, इतना ठीक है, और सिग्मा MC इक्वल टू हमारे पास टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। अब ये क्या है कि चेंजेस कितना आया और प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, जैसे हम इस फॉर्मूले को, आप इनमें से कोई से फॉर्मूला लगा के MC निकाल सकते हो। तो जैसे हमने MC फर्स्ट निकालनी है, तो TC1 माइनस 1, तो TC1 माइनस TC0, इतना ठीक है। तो एक बार वहां देख लेते हैं, फिर हम इस फॉर्मूले को कंटिन्यू करते हैं। अब TC हमारे पास एक क्या है, हमारे पास 10, ठीक है, और ऊपर तो हमें दे ही रखा कुछ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 0, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, 1 माइनस 0, तो हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। और उसके बाद MC2 निकालेंगे, तो भाई यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाले, मतलब 10 20 में से 10 माइनस कर, तो आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह फॉर्मूला कंटिन्यू चलता रहता है। सेम अगर हम यहाँ करें डेल्टा TC अपॉन में डेल्टा Q, कि दोनों में डिफरेंस कितना आया, ठीक है, जैसे हम यहाँ करें 10 और 20, ठीक है, तो उनमें डिफरेंस कितना आया, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पहले हम एक देख लेते हैं रिलेशन, इसमें हम रिलेशन किस किस का भी देखेंगे कि TC इक्वल टू TFC और TVC होता है या नहीं होता, ये भी देखेंगे और MC भी देखेंगे। तो टोटल कॉस्ट यहाँ है, प्रोडक्शन हमारा यहाँ पे हो रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी फिक्स है, और TVC हमारा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है।
इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, 10 और 0 10, 10 और 10 20, 10 और 18 28, 10 और 24 34, ये 38, ये 42, ये 48 और ये 56, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन भी हमें यहाँ से पता चल रहा है। आपको टेबल बना सकता है, टेबल में बीच में आपको वैल्यू मिसिंग दे रखा है कि वैल्यू मिसिंग है, पुट करो। तो क्या करोगे, इसमें से ये माइनस कर देना, तो यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला हमें आपको कंसेप्ट आएगा कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने के लिए आ सकते हैं। तो देखो एमसी जब निकालेंगे हमने क्या करा, नीचे वाले में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर ली है ना। तो माइनस करने पहले हमारा 0 आ गया, फिर माइनस करेंगे 10, फिर माइनस करेंगे 8, फिर माइनस करेंगे 6, फिर करेंगे 4, फिर करेंगे 4, फिर करेंगे 6, फिर करेंगे 8, ठीक है। मतलब पहले तो हमारे पास क्या हो रहा है, बढ़ रहा था, फिर कम हो रहा था, उसके बाद फिर दोबारा बढ़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ चीज याद रखनी मार्जिन कॉस्ट का, तो पहले ये बढ़ रहा होता है, फिर मिनिमम हो जाता है यहाँ पर, उसके बाद फिर बढ़ने लग जाता है। तो ये फिर बढ़ने, तो इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, और आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे इसका इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया, वो रह गया रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी, मतलब एवरेज कॉस्ट और एमसी कॉस्ट में। ये बच्चा आपको प्लस वन में भी आएगा, प्लस टू में तो आपका ये सिलेबस है नहीं, अगर आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो ग्रेजुएशन के लेवल में भी आपको ये कंसेप्ट मिल जाएगा देखने को, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच, एसी का हमें फॉर्मूला पता है, एमसी का हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारा प्रोडक्शन है। टोटल कॉस्ट हमारी क्या आई है, 10 आई, 20 आई, 28, 34, 38, 42, 48, 56 और 72। एसी निकालने का हमारा टीसी अपॉन में क्यू, तो टीसी हमारे पास 10 था, ये हमारा 0, तो कुछ नहीं आया। फिर हमने इसको डिवाइड करा, कितना है 10, फिर डिवाइड करा 14, फिर 11.3, 9.5, 8.4, 8, 8 और 9, ठीक है। इनको डिवाइड करके हमारे पास एसी आ गया। एमसी का फॉर्मूला हमें पता है, TCN माइनस TCN माइनस 1। अब TC 1 निकाला तो हमारे पास देखो, पहले तो हमारे पास क्या है, 0 था प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब कॉस्ट कितनी थी उसके ऊपर है नहीं, तो पहले हमारा माइनस आ गया, फिर 10, 8, 6, 4, 4, 6, 8, n। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, पहले क्या हो रहा है हमारे पास, एसी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। एसी हमारा यहाँ तक क्या है, ज्यादा है कंपैरिजन किसके, एमसी के, मतलब लिख लेना वो पेपर में आएगा लिखने के लिए। तो पहले एसी ज्यादा होता है, एमसी क्या होता है, कम, फर्स्ट कंडीशन इतना, ठीक है। फिर दोनों क्या होते हैं, एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, एसी इक्वल होता है एमसी के, ठीक है, एक पॉइंट पे आके मिल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, जो एसी होता है, देखो एसी क्या हो गया, कम हो गया, एसी कम हो जाता है और एमसी बढ़ जाता। तो ये आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को इनमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है, एसी बढ़ रहा है, तो एसी देखो ऊपर से है, एमसी हमारा नीचे से है, ठीक है। तो एमसी हमारे पास क्या हो रहा है, ऊपर से था, बढ़ रहा था, और हमारा एमसी क्या हो रहा था, कम है। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन हो गई कि जो एसी है वो बड़ा है, एमसी क्या है, छोटा है, इतना ठीक है। फिर एक पॉइंट यहाँ पर आया पी, जहां पे दोनों इक्वल हो गए, 8 हो गए दोनों, क्या हो गए दोनों, इक्वल। फिर थर्ड स्टेज क्या आई हमारे पास, कि जो एसी था वो कम रेट से बढ़ तो रहा है, मतलब उसने बढ़ना तो शुरू करा, लेकिन कम रेट से बढ़ना शुरू करा एज कंपेयर एमसी की, और एमसी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे, ठीक है। तो ये हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है तीन चीजें, कि जब हमारे पास एसी स्टार्टिंग में एसी ज्यादा बड़ा हो रहा है, होता है एमसी कम हो रहा होता है, मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन कम रेट से बढ़ रहा है। उसके बाद एक पॉइंट आता है जहां पे दोनों बराबर हो जाते हैं, फिर एक पॉइंट आता है जहां पे एसी कम वो दर से बढ़ रहा है और एमसी ज्यादा देर से बढ़ रहा है। तो ये हमारा चैप्टर था कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, जिसमें हमने टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का हमने पढ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे रेवेन्यू, और तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे।